नमस्कार, आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। कोरोना संक्रमण काल के चलते स्कूलों में मार्च माह से ही अवकाश चला आ रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद जुलाई माह से स्कूल प्रबंधकों द्वारा फीस को लेकर अभिभावकों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। स्कूल संचालकों द्वारा ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई थी। फीस को लेकर मिल रहे मैसेज और ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान अधिकांश बच्चों के शामिल नहीं होने पर अभिभावकों द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में घोषित किए गए अवकाश की बात को लेकर फीस जमा नहीं करने की बात कही गई थी। मामला न्यायालय तक पहुंचा था और बाद में निर्णय सामने आया था कि अभिभावकों को सिर्फ स्कूल में ट्यूशन फीस जमा करनी होगी। आज सुबह सेंट थॉमस स्कूल के बाहर अभिभावक एकत्रित हो गए और प्रबंधन से चर्चा करने का प्रयास किया। अभिभावकों का कहना था कि जब आदेश ट्यूशन फीस जमा करने का है तो स्कूल प्रबंधन द्वारा पूरी फीस क्यों मांगी जा रही है। पिछले वर्ष जो फीस उन्होंने जमा की थी उसी हिसाब से अब भी फीस की मांग प्रबंधन द्वारा की जा रही है। अभिभावक स्कूल प्रबंधन से चर्चा की बात पर अड़े हुए थे। अभिभावकों का कहना था कि वह ट्यूशन फीस भरने को तैयार है, लेकिन प्रबंधन द्वारा पूरी फीस मांगी जा रही है, जिसमें लाइब्रेरी, बस मेंटेनेंस सभी को जोड़ दिया गया है। बच्चे स्कूल ही नहीं गए तो बस का खर्च क्यों दे, लाइब्रेरी में पढ़े ही नहीं तो उसका शुल्क क्यों जमा करे, मेंटेनेंस किस बात का। स्कूल प्रबंधन चर्चा के लिए सामने नहीं आया था। विदित हो कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी स्कूल फीस को लेकर मिशनरी संस्थाओं के स्कूलों में अभिभावकों ने जमकर प्रदर्शन किए थे और स्कूल नहीं खुलने तक फीस नहीं देने की बात कही थी। आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा है, आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा है, पेरेंट्स कहाँ से पैसा भरेंगे। स्कूल रोज दबाव बना रहा है कि आपको एग्जाम देना है तो आपको फीस जमा करना है। पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, पेरेंट्स बहुत परेशान है। जबरदस्ती का एक हाईकोर्ट का झूठा डिसीजन जिसपे कोई पेरेंट्स क्लब ने फाइट ही नहीं किया है, उस डिसीजन पे कि आपको ट्यूशन फीस भरना पड़ेगी, उस ट्यूशन फीस पे स्कूल दबाव बना रहे हैं जो पूर्णतः गलत है। ट्यूशन फीस में तमाम शाला विकास शुल्क, लाइब्रेरी का शुल्क, स्पोर्ट्स का शुल्क, कंप्यूटर का शुल्क, वादन गायन का शुल्क, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का सब शुल्क उन्होंने जोड़ दिए, वो उन्होंने ट्यूशन फीस बना दी जो कि गलत है। हाईकोर्ट का निर्देश है कि केवल ट्यूशन फीस जो शिक्षकों के वेतन के लिए काम आती है वो जमा करें पेरेंट्स, जबकि वेतन टीचरों को 30% दिया जा रहा है और अभी एक तारीख से 25% वेतन कर दिया गया है और ये ऑफलाइन पढ़ाई है, जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई का पैसा लिया जाए। ये ऑफलाइन पढ़ाई है, इस पर ये केवल सर्कुलेट कर देते हैं, वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं, अपने हिसाब से एग्जाम दें, अपने हिसाब से क्वेश्चन का उत्तर दें। अभी आपकी बात गलत है, फादर से बात हुई तो उनका ये कहना कि हम हमारे ट्रस्ट से बात करेंगे, हम हमारे ट्रस्ट से बात करेंगे फिर आपको डिसीजन देंगे। हम चौथी बार आके मिल रहे हैं, पिछली बार 500-600 पेरेंट्स आए थे, उसके बाद 200-300 पेरेंट्स आए थे और फिर पेरेंट्स आए, पेरेंट्स सच में बहुत परेशान है। स्कूल समाज सेवा का काम करता है तो पेरेंट्स की समाज सेवा में उनको फीस कम करना चाहिए। 15 साल से पेरेंट्स बिना मांगे पूरी फीस जमा कर रहे हैं, ये कोविड का साल है इसलिए हम ये कंसेशन चाहते हैं, तो निश्चित रूप से स्कूल को कंसिडर करना चाहिए। बाहर कहीं चक्का जाम किया गया है, कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी आ रही, क्या कोई कार्रवाई हुई? अभी इसमें एक पालकों मतलब जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं और स्कूल मैनेजमेंट है, उसके बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है फीस को लेकर के।
जो लॉकडाउन पीरियड है, लॉकडाउन की जो अवधि है, उसकी फीस को लेकर के, ट्यूशन फीस को लेकर के कुछ आपस में डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसी को लेकर कुछ जो परिजन हैं, कुछ जो पेरेंट्स हैं, वो रोड पे आ गए थे। तो अभी इसमें पुलिस ने उन सभी को हटवाया है। साथ में ऐसे लोग जो अगर कोई कहीं जो सार्वजनिक आवागमन है उसको कोई बाधित करता है तो उसके ऊपर वैधानिक रूप से कार्रवाई भी की जा रही है।